सीएमयू का 3 दिवसीय दौरा, गोरखपुर सैनिक स्कूल का शिलान्यास करेंगे सीएमयू योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सहारनपुर आएंगे, 228 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास व लोकार्पण। बसपा का चुनावी मोड, सतीश चंद्र मिश्र आज अयोध्या में रामलला के दर्शन कर करेंगे विचार गोष्ठी। नवजोत सिंह सिद्धू आज कार्यभार ग्रहण करेंगे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। चार जिलों के कप्तान समेत 7 आईपीएस अफसरों के तबादले। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। इस दौरान वो यहां पर सैनिक स्कूलों के शिलान्यास के साथ गोरखनाथ मंदिर के गुरु पूर्णिमा उत्सव में भी शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सूबे के 9 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए देवरिया सिद्धार्थ नगर भी जाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाने वाले हैं, जहां पर वो उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। 9 मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के द्वारा जो किया जाएगा उसका जायजा लेने के लिए भी वो जाएंगे। सैनिक स्कूल का लोक शिलान्यास भी करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी सियासी पारी को फिर शुरू करने के लिए अपने देख रही बसपा प्रमुख मायावती ने चुनाव से ठीक पहले ब्राह्मण कार्ड खेला है। वो पूरे राज्य में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं, लेकिन अब पार्टी की तरफ से एक बड़ा बदलाव किया गया है। उन्होंने अपने ब्राह्मण सम्मेलन का नाम प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी कर दिया है। मतलब सियासत वही लेकिन कलेवर नया। प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी के तहत आज से अयोध्या में बसपा का चुनावी कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अयोध्या में बसपा राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य सतीश मिश्रा कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। हनुमान लला के दरबार में माथा टेकने के बाद वो राम जन्मभूमि परिसर में जाकर रामलला की पूजा अर्चना भी करेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो में आज से ओलंपिक खेलों का आगाज हो गया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से ओलंपिक खेलों को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 1 साल बाद देरी से ही कोविड-19 महामारी में ओलंपिक खेल खेले जा रहे हैं। महामारी की वजह से ओलंपिक खेलों में कई बड़े बदलाव नजर आएंगे। खिलाड़ियों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने के लिए बेहद सख्त बायो बल्ब बनाया गया है। इतना ही नहीं टोक्यो ओलंपिक मैदान पर बिना दर्शकों के ही खेल खेला जाएगा। महामारी ने हालांकि खिलाड़ियों की मुश्किलों को काफी बढ़ा दिया है। कोरोना महामारी की वजह से खिलाड़ियों को हर दिन कोविड-19 टेस्ट से गुजरना होगा। कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट से किसी भी खिलाड़ी को मैदान पर एंट्री नहीं मिलेगी उसके बिना। इतना ही नहीं, अगर कोई खिलाड़ी फाइनल में पहुंच गया और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उसे मेडल की रेस से पीछे हटना पड़ेगा। भारत की तरफ से पहला मुकाबला तीरंदाजी का है, इसमें दीपिका रैंकिंग राउंड में निशाना लगा रही हैं। बता दें कि आज शाम को 4:30 बजे के करीब टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी भी होनी है। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए इसमें भारत के 18 ही खिलाड़ी शामिल होंगे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को मवाली कहने पर चौतरफा आलोचना की जा रही है। इधर मीनाक्षी लेखी ने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अपने बयान पर सफाई देते हुए कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस
का किसानों से कोई लेना देना नहीं था। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। उन्होंने कहा कि मेरे किसानों से संबंधित बयानों से किसी को दुख पहुंचा है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पेगासस के खुलासे पर थी और उस दौरान ये सवाल किया गया कि 26 जनवरी को जो अपमान किया गया उस पर आपका क्या कहना है। इस पर उन्होंने कहा कि किसानों का काम नहीं हो सकता, ये लोग मवाली ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसको जो तोड़ मरोड़ रहे हैं वो अपने दिमागी दिवालियापन का परिचय दे रहे हैं। इस तरह के लोगों के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करती हूं जो लाल किले को अपमानित कर रहे हैं। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है, वो मवाली है, वो इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं, ये आपराधिक गतिविधियां हैं और जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वो भी शर्मनाक था, आपराधिक गतिविधियां थी और उसमें विपक्ष द्वारा ऐसी शासन ने 7 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 4 जिलों के पुलिस कप्तान शामिल हैं। सिद्धार्थनगर, जालौन, कासगंज और हमीरपुर जिले में नए कप्तानों को तैनाती दी गई है। यशवीर सिंह को सिद्धार्थनगर का, रवि कुमार को जालौन का, बोत्रे रोहन प्रमोद को कासगंज का और कमलेश कुमार दीक्षित को हमीरपुर का नया एसपी बनाया गया है। हमीरपुर के एसपी नरेंद्र कुमार सिंह को आगरा में 15वीं वाहिनी पीएसी का सेनानायक बनाया गया है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लाख कोशिश कर ले सफाई व्यवस्था और गरीबों को आवास योजना दिलाने की, लेकिन कुछ अधिकारी इस बात को हवा में उड़ा देते हैं। बता दें कि बदायूं की तहसील दातागंज के ग्राम रिजौला में अधिकारियों और गरीब ग्राम प्रधान की लापरवाही से गरीब घर से बेघर हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीड़ित राहुल ग्राम सचिव दिनेश कुमार को अपना दुखड़ा सुनाता तो सचिव उस पर रौब झाड़ते हुए कहते हैं कि ये तो प्रकृति है, इसमें क्या कर सकते हैं। वहीं ये ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर दिया गया है जिससे ग्राम विकास अधिकारी समेत प्रधान की फजीहत हो रही है। समस्या ये हुई कि मतलब हमने कई बार प्रधान जी से ये बात कही कि मतलब हमारा खरंजा डलवा दो, ये नाला ऊंचा करवा दो जिससे कि ताल भर जाए तो हमारे मतलब घर की तरफ पानी ना आ पाए। अच्छा। तो प्रधान ने मतलब पिछली प्रधानी में भी हमारी मतलब इस बात को नहीं लिया और जो बराबर में लड़की थी अभी शादी हुई है, लमसम 4-5-8 दिन हो गए होंगे, उस लड़की की शादी में सफाई कर्मचारी बुलवाए थे हमने, उन्होंने भी काम नहीं किया, नाला भरा हुआ था, ठीक है वो चले गए वो लोग, उसके बाद भी कोई। शाहजहांपुर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि मजदूर बनकर ग्रामीण इलाकों में लोगों से ठगी किया करते थे। ये ठग लोगों से कहते थे कि वो मजदूरी किया करते हैं और कहीं पर मजदूरी में खुदाई के दौरान उनको अनमोल कीमत के धातु मिले हैं। ग्रामीण इलाकों के सीधे सीधे लोग इन ट्रकों की बातों पर आ जाते थे और उनसे इस धातु को खरीदने के लिए तैयार हो जाते थे, जिसका फायदा उठाकर ये ठग उनसे रुपये ऐट लिया करते थे और वहां से 9-2-11 हो जाया करते थे। ऐसी ही एक ठगी का मामला जनपद शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र से सामने आया था जहां पर इन ठगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शाहजहांपुर पुलिस ने इन ठगों को रोडवेज बस स्टैंड से ठगी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जिनमें एक महिला भी शामिल है। आज एसओजी तथा सदर बाजार पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ा गया है जो कि ठगी करता था। छोटे छोटे कस्बों में जाकर के व्यापारियों से नकली सिक्के दिखा करके उनसे पैसे की उगाही करता था। पिछले महीने कलान क्षेत्र में इनके द्वारा एक ठगी की गई जिसके लिए मुकदमा लिखा गया और पिछले 1 माह से हमारी एसओजी सर्विलांस टीम लगातार इन पर निगरानी रखी हुई थी। आज इनके द्वारा दोपहर में बस स्टॉप पे एक व्यापारी के साथ करने की कोशिश की गई, ठगी करने की कोशिश की गई, उसी दौरान इनके सूचना प्राप्त होते ही संयुक्त रूप से सदर बाजार पुलिस तथा एसओजी द्वारा इनको रंगे हाथ पकड़ा गया। इनके पास से 5 किलो तक के सिक्के मिले हैं और 2.5 किलो का हार मिला, 16 मोबाइल भी मिले। संभल के कलेक्ट्रेट मेन गेट के सामने प्रदेश प्रमुख महासचिव के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक टिकैत के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर रोड जाम किया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए हैं वो किसानों के खिलाफ है। एडीएम संभल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर सीडीओ संभल और एएसपी आलोक कुमार जायसवाल को ज्ञापन दिया। किसानों ने कहा है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता है, तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे।
ये हमारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर था। 1 तारीख में हमने DM संबल को ज्ञापन दिया था, लेकिन जिला प्रशासन ने हमारी समस्याओं पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आज हमारे कार्यकर्ताओं युक्त होकर आज सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर, सैकड़ों की तादाद में गाड़ी, आज कई हज़ार कार्यकर्ता हमारे आए हैं। यहाँ चकबंदी में बहुत भारी भ्रष्टाचार धांधली है। यहाँ DDC का पद नहीं है, ये DM पे DDC का पद है। लोगों के काम नहीं हो पा रहे, गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा, बिजली में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये 11 सूत्रीय मांगे थी, इनको लेकर हमने आंदोलन किया है और आंदोलन हम जब तक जारी रखेंगे जब तक ये हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। और DM कप्तान साहब से हमें लोगों को बुलाया जा रहा है, वार्ता होगी तब आंदोलन समाप्त किया जाएगा, वरना ये आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा। संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक घर पर धाबा बोल दिया। चोरों ने मौका पाकर दहेज के सामान के साथ जेवर और साथ ही रखी 90,000 की नकदी चोरी करके मौके से फरार हो गए। वहीं जब इसकी सूचना घर वालों को हुई तो घर में हड़कंप मच गया। शाम के समय हुई चोरी के मोहल्ले वासियों में भी भय का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। मैं दुकान पर था, छोटा वाला एक गाड़ी पे गया हुआ था, जिस तरह मामाई की तरह दावत में। घर पे कौन था? घर पे कोई ना था, बाद में आई है। क्या हुआ फिर उसके बाद में, कैसे पता चला आपको चोरी हुई है? छोटा वाला भाई आया था, फिर बाद में सामान लेने के लिए अपना। अच्छा, कपड़े वपड़े तो कपड़े लेने के बाद उसको पता चला तो चोरी हो गई घर में, तो ईटे वेटे सब लगा देते उसने चोर ने। औरैया के सहायल थाना क्षेत्र में बाइक और ई रिक्शा के बीच भिड़ंत हो गई। बाइक सवार एक अधेड़ व्यक्ति की गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं इलाज के दौरान अधेड़ की मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कौशाम्बी के चायल विधानसभा के विधायक संजय कुमार गुप्ता की मांग पर करोड़ों रुपए की सड़कों और ओवरब्रिज का डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने शिलान्यास किया। उन्होंने सैयद रावा में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। इसमें 60 करोड़ 28 लाख की लागत से प्लाई ओवर, 1 करोड़ 87 लाख की लागत से विव्यू कटर, 47 करोड़ 45 लाख 90,000 की लागत से 97 सड़कें शामिल है। तो कौशाम्बी में 2 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दी गई है। इन 2 करोड़ की परियोजनाओं में सड़कें और ओवरब्रिज शामिल हैं, जिसका शिलान्यास भी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किया गया। वहीं सैयद सरावा में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। इसमें 60 करोड़ 28 लाख की लागत से फ्लाई ओवर और 1 करोड़ 87 लाख की लागत से विव्यू कटर, 37 करोड़ 45 लाख 90,000 की लागत से 97 सड़कें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम TV।